सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय शिक्षक गणों और देशवासियों का मेरे शैक्षिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक बहुउद्देशी प्रक्रिया है, जो मनुष्य के जीवन को एक उच्चतम बुलंदी पर ले जाने का प्रयास करती है। दिस इज माय थॉट। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर में गणित विज्ञान और कंप्यूटर विषय का अध्यापक के रूप में हूँ। मैंने बेसिक शिक्षा विभाग और अपने ज़िले में अपने आप से ये मैंने प्रण लिया है कि मैं सभी शिक्षकों को तकनीकी और शिक्षा जगत में होने वाली डिजिटल चीज़ों की पूरी रूप से जानकारी दूंगा। आइए इस कड़ी में हम सभी सम्मानित शिक्षक गणों के लिए दीक्षा ऐप की उद्देश्य पूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि दीक्षा ऐप हमारे उत्तर प्रदेश में लॉन्च है। आइए जानते हैं दीक्षा क्या है, व्हाट इज दीक्षा। दीक्षा के बारे में यहाँ पूरी हम जानकारी हासिल करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों से दीक्षा ऐप डाउनलोड करने को कहा है। इस ऐप में सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिसे क्लिक करते ही क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। दीक्षा ऐप पर कक्षा 1 से 8 तक सभी विषयों के पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है। किस कक्षा के किस पाठ को पढ़ाना है, उसे क्लिक करते ही प्रारंभ हो जाएगा। अतः यह ऐप बहुत ही उपयोगी है। आइए जानते हैं दीक्षा का पूरा नाम क्या है, फुल नेम ऑफ दीक्षा ऐप इसका पूरा नाम है। आइए जानते हैं दीक्षा DIKSHA, डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, के फॉर नॉलेज, SH फॉर शेयरिंग, A फॉर ऐप और एप्लीकेशन। इस प्रकार से दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग ऐप। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग रखा गया है। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल और दीक्षा मोबाइल ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। यह बहुत ही शिक्षक गणों के लिए उपयोगी ऐप है। इससे बचे और इससे जुड़े रहे, इससे दूर न भागें। दीक्षा ऐप का उपयोगार्थ अर्थात दीक्षा ऐप का क्या उपयोगिता है, आइए जानते हैं। दीक्षा ऐप का उपयोग बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के साथ साथ अध्यापकों का प्रशिक्षण भी इस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। अतः यह स्कूल के लिए और शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्यूआर कोड की सहायता से हम किसी भी विषय का डिजिटल अध्ययन बच्चों से करा सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। अतः आप सभी प्रिय शिक्षक गणों को पता है कि दीक्षा ऐप का भी प्रशिक्षण हो रहा है किसी जिलों में या होने वाला है, और आपको इसमें दीक्षा ऐप से समुचित पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण ऑनलाइन भी चल रहे हैं, आप इस ऐप का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप कृपया मेरे वीडियो को देखते रहें, जुड़े रहें। आगे जानेंगे दीक्षा प्रशिक्षण किसके लिए है। यह प्रशिक्षण स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों अर्थात हेडमास्टर और टीचर के लिए है, और इसके साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारियों को भी इसका ज्ञान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं दीक्षा प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है।
अर्थात दीक्षा ऐप का समुचित उपयोगिता के लिए प्रयोग करने के लिए। अब दीक्षा ऐप से मिलेगी बच्चों को शिक्षा, बच्चों को बेहतर शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से शासन ने डिजिटल प्रणाली के उपयोग से पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए दीक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है और शिक्षक गणों को इसका सही उपयोग के लिए इसके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन भी प्रशिक्षण के लिए और दिए जा रहे हैं। आप इस ऐप का उपयोग से आप ऑनलाइन प्रशिक्षण लेंगे और किस प्रकार से उपयोग करेंगे, आप मेरे वीडियो में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। आगे जानते हैं दीक्षा का महत्व। दीक्षा ऐप का क्या महत्व है? दीक्षा प्रशिक्षण से शिक्षा विभाग के सभी परिषदीय प्रधानाध्यापक, अध्यापक व कर्मचारियों को शिक्षा से जुड़े नवाचारों और विद्यालय में आज के परिवेश के अनुसार अर्थात डिजिटल माध्यम शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस किस प्रकार का वातावरण बनाना है और किस हिसाब से शिक्षण गतिविधियों का अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी का प्रयोग आप अच्छे से परिचित हो सकते हैं। अतः इस प्रशिक्षण को अच्छे से शामिल हो और आप अधिक से अधिक सीखें दीक्षा। अब मेरे वीडियो में आप जो प्रमुख देखेंगे वो है दीक्षा डाउनलोड कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सेटिंग कैसे करेंगे, अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से आप सही करेंगे, सेट करेंगे और ट्रेनिंग कैसे लेंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में जानते हैं। गूगल क्रोम में आप जाएंगे गूगल प्ले में और यहाँ पर आप दीक्षा ऐप टाइप करेंगे। दीक्षा ऐप करने पर ये लोगो वाले पे आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे जाके आप इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका दीक्षा ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही आपका ये ओपन हाईलाइट हो जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए या ये ऑटो आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये डाउनलोड होने लगा और डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होते ही यह ऐप ओपन के लिए तैयार हो जाएगा और ओपन हो गया, आप इसे ओपन कर लीजिए। दीक्षा ऐप इंस्टॉल आपके मोबाइल में हो रहा है, आप ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन पर क्लिक करते ही दीक्षा ऐप आपके सामने ओपन होगा जिसमें माध्यम चुनेंगे, हिंदी चुनना है कि इंग्लिश चुनना है, जो भी चुनना है आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में करूँगा या आप इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश चुन लीजिए, हिंदी में कर रहा हूँ तो हिंदी पर जारी करूँगा। और हिंदी पर मैं क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आप हैं क्या, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य हैं, जो भी हैं आप चुनाव करेंगे। मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षक को चुनूँगा और आगे मैं इसके बाद बढ़ूँगा। इसके बाद QR कोड के बारे में पूछ रहा है, क्या आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कैन करने के लिए टैप करना है, QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या आप अपनी यहाँ पर जैसे आधार अगर आप स्कैन कर लेंगे तो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी, लेकिन इसको ना करके आप यहाँ पर करिए, बोर्ड चुनिए, बोर्ड में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव करेंगे, इसके बाद दाखिल कर देंगे। इसके बाद आपके पास माध्यम आएगा, कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हूँ, उसको चुनूंगा। कक्षाओं का आप चुनाव करेंगे, जितने कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं, जिन कक्षाओं को, मैं कक्षा जूनियर में हूँ इसलिए मैं कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 विषय को पढ़ाता हूँ, तो मैं उसको दाखिल करूँगा। इस प्रकार से आप जारी कर देंगे। जारी करते ही आपका दीक्षा ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आप इसे भाषा को भी ऊपर से देखिए चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, अवधि भाषा, तमाम तरह की भाषाएं दी गई, भोजपुरी भाषा आदि। आप सबसे पहले सेटिंग में देख लेते हैं। सेटिंग में आपका क्या क्या सेटिंग है? डेटा सिंक दिया गया, अनुमति दिया गया, दीक्षा ऐप साझा करने के लिए दिया गया, हमारे बारे में जाने, तो डेटा कब आपका खर्च होना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है, जैसे कि कब बंद हो, चालू हो। अनुमति में आपको दिया गया है कि क्या अनुमति हो, क्या ना हो, कैमरा इत्यादि, इस सब चीज़ों का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सेटिंग ऑन करना है, जो भी करना है, उस चीज़ को आप यहाँ पे कर लेंगे। दीक्षा ऐप साझा करना है, क्या करना है और इसके बारे में, इस प्रकार से सेटिंग करने के बाद जो अगली सेटिंग आपको करनी है वो प्रोफाइल सेटिंग करनी है। आप प्रोफाइल पे जाएंगे, जैसा कि अभी आगे ये लिया है वो सब शो कर रहा है, आपका स्टेट, माध्यम और भाषा और विषय इसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य जिला अम्बेडकर नगर, ये ऑटो ले लिया है ऑनलाइन, आप जानते हैं कि मैप के द्वारा।
इसके अलावा सेटिंग में आप लॉगिन करना सीखें, कैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के दो तरीके हैं, अगर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बना लेंगे तो उससे जरिए कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है लॉगिन विथ गूगल, गूगल पे क्लिक करेंगे आपके पास आपकी गूगल ईमेल आईडी आएगी। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है तो मैं इसे चुनूंगा, ये मेरी ईमेल आईडी जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ वो है। अगर मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी चुनूँ, जो मेरी दूसरी ईमेल आईडी है जो ये trskjahind85@gmail.com, ये मेरे चैनल की है, लेकिन जो विद्यालय स्कूल में रजिस्टर है वो मेरी दूसरी आईडी है। अगर मैं दूसरे को चुनाव करता हूँ तो मैं अगर उसको करूँगा ऐड अकाउंट को, तो जैसे मैं ऐड करता हूँ तो मेरा ऐड, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, चलिए इसको हटा देते हैं, हम बैक पे आते हैं और प्रोफाइल सेटिंग में फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं। तो मैं गूगल के द्वारा ही लॉगिन करता हूँ गूगल विथ के साथ, और जो मेरी प्रेजेंट में चल रही है उसे आप उसके माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप दूसरे को भी लॉगिन करके पासवर्ड और यूज़र आईडी डालकर ईमेल आईडी डालकर कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट में ही कर रहा हूँ क्योंकि इसमें चैनल चेंज हो जाएगा और सेटिंग भी बदल जाएगी, इसलिए मैं आप इसी से करता हूँ जो मेरे सेट में इस समय है मौजूद। तो मैंने जैसे ही इस पर चुनाव किया मेरे सामने खुल कर आया और इसमें पूरा मेरी डिटेल दे रहा है, टीचर यश कुमार, एजुकेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब पूरा माध्यम दे रहा है। इस प्रकार से अंबेडकर नगर जिला उत्तर प्रदेश आदि आपका ये ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ों को दर्ज कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हम QR कोड के बारे में, यहाँ पर क्लिक करके आप QR कोड का उपयोग करके किताबों को QR कोड को स्कैन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो आप जानते हैं कि आप विषय को भी देखना जान रहे हैं और QR कोड का प्रयोग करना भी सीख चुके हैं, जान रहे हैं, लेकिन इस समय जो चल रहा है वो प्रशिक्षण चल रहा है, ऑनलाइन प्रशिक्षण कैसे लेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। या इससे पहले भी यहाँ पर कुछ पुस्तकों का संग्रह दिया गया है, विभिन्न प्रकार के पुस्तकें हैं, अधिक पुस्तकों को आप क्लिक करके पुस्तकें देख सकते हैं, विभिन्न जो भी पुस्तकें दी गई हैं आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए हम प्रशिक्षण की बात करते हैं, प्रशिक्षण यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रशिक्षण पे। प्रशिक्षण में आपके सामने बहुत से प्रशिक्षण दिए गए हैं, आप इन प्रशिक्षण पर क्लिक करेंगे और जैसा कि मेरे पाठ्यक्रम दिए गए हैं इसमें आपको दिया गया उपचारात्मक शिक्षण, जोड़ घटाव, फीचर ट्रेनिंग आपकी दी गई है, इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग दी गई है, इससे आप जोड़ घटाव, त्वचा, भार मापन, जो भी टॉपिक पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप उसको चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट ट्रेनिंग में भी यहाँ पर दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कम दिखा रहा है आप सभी पर क्लिक करके पूरी ट्रेनिंग को देख सकते हैं, यहाँ से पूरी ट्रेनिंग और भी यहाँ पर क्लिक करके और भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जो भी ट्रेनिंग करना चाहिए उसका चुनाव कर लें, इस तरीके लेटेस्ट ट्रेनिंग को भी आप देखकर चुनाव कर सकते हैं और भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब एक ट्रेनिंग कैसे की जाती है चलिए उसे करके देखते हैं। जैसे हमने फीचर ट्रेनिंग में एक ले लिया कि भार मापन क्या है या त्वचा क्या है, तो भार मापन या त्वचा, चलिए हम लोग जानते हैं कि भार मापन क्या है। तो भार मापन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका लिख के आएगा प्रशिक्षण में भाग लें, इस पे क्लिक करेंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा, कोर्स का परिचय दे देगा, इस परिचय को आप भाग एक देख सकते हैं क्लिक कर करके क्या क्या चीज़ें दिया गया, भाग दो दिया, भाग तीन, भाग चार और भाग पाँच में क्या क्या चीज़ें दिया गया है आप यहां से देख पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने एक वीडियो ओपन होगी और इस वीडियो को आप यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वीडियो अपलोड होगी और वीडियो चलने लगेगी। इस प्रकार से आप इससे संबंधित जुड़ी हुई वीडियो को देख सकते हैं और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे,
क्योंकि आपको पता है, देखिए आ गया टीचर्स ऐप में भार मापन कोर्स से परिचय। तो आप इस तरीके से इसमें विभिन्न चीज़ों को देख सकते हैं, भार मापन के अधिगम, इसके अलावा भार मापन सीखने का प्रतिफल, कोर्स से परिचय। तो आप इस तरीके से विभिन्न प्रकार के चीज़ों को देख सकते हैं। तो जहाँ जो तीन बटन दी गई यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं पूरी वीडियो नहीं देखूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से भाग लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा कोर्स के परिचय, और परिचय भार में हमारा डन करके दे रहा है, इसका मतलब मेरा ये प्रशिक्षण मैंने ले लिया। इसी तरीके से आप लेटेस्ट वाले में भी कोई भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए सभी पर क्लिक करके एक देख लेते हैं अच्छा सा प्रशिक्षण कौन है। जैसे हम दूरस्थ शिक्षण के बारे में बात कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात कर सकते हैं, चिंतन सीखने का जरिया, चलिए इसी को देख लेते हैं, चिंतन सीखने का जरिया प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे ही प्रशिक्षण में भाग लेने पर क्लिक करेंगे, चिंतन चालू बैच आपको दिए गए हैं, नामांकन करना है इसमें, ये भी बैच चालू है सीखने की जरिया पे। तो आप यहाँ पर नामांकन क्लिक करके नामांकन करके आप सीख सकते हैं, और ये 19 जून से लेके 20 सितंबर तक का है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैं सीखने चिंतन का जरिया पर क्लिक करता हूँ नामांकन के लिए, जैसे नामांकन पर क्लिक करूँगा मेरे सामने आ जाएगा नामांकन, मेरा हो गया। नामांकन होते ही आपका जो सेटिंग आप किए हैं, जो आपका ऐप्स डाउनलोड किए उससे वो पूरा डाटा ले लेगा और वो आपका नामांकन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं नामांकन। अब आप अभी शुरू करें पर क्लिक करेंगे, फिर से जैसे अभी पहले मैं वीडियो दिखाया सेम उसी तरीके से ये ओपन होगा और वीडियो अपलोड होगी और प्रशिक्षण यहाँ पर चलने लगेगा। जैसे ही प्रशिक्षण चलेगा आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इससे अधिक से अधिक ज्ञान और अधिगम को आसान तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, और इसका प्रयोग हम अपने जीवन में बच्चों के लिए करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, अपने स्वयं देखेंगे, स्वयं सीखेंगे। देखिए चिंतन सीखने का जरिया, चिंतन क्या है, आज इस प्रकार से वीडियो आपकी चलती रहेगी, आप इन्हें देख सकते हैं और पूर्ण रूप से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए हम पूरा नहीं देखेंगे वीडियो, हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और एग्जिट करके हम बाहर निकलते हैं। और इस प्रकार से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे, अब देखिए चिंतन पे मेरा प्रशिक्षण डन हो गया। इस प्रकार से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसमें अधिक से अधिक आप प्रशिक्षण में भाग लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, अधिगम अपना और शिक्षा जगत में नए नए जो परिवर्तन हो रहे हैं इन सभी के बारे में आप यहाँ से अच्छे से जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये है दीक्षा ऐप आपका पूरा है और दीक्षा ऐप से जुड़ी हुई पूरी चीज़ें हैं। इस तरीके से आपके सामने दीक्षा ऐप डाउनलोड है और उससे जुड़ी हुई सभी तमाम तरह की बातों को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। QR कोड पर क्लिक करके आप QR कोड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्वयं भी संबंधित विषय को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, और इस प्रकार से दीक्षा ऐप का अधिक से अधिक आप अपने जीवन में उपयोग करें। और इस ऐप्स को उपयोग करने से आप डरे नहीं और घबराए नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से मैं अब इस वीडियो को अपने समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही तकनीकी और जानकारियाँ शिक्षा जगत से मिलती रहेंगी।